नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। देखिए खास खबरों को हमारे साथ, चैनल करिए सब्सक्राइब। धन्यवाद। नीम का थाना में वाल्मीकि जयंती पर हुआ भव्य कार्यक्रम, निकाली शोभा यात्रा। जी हां, नीम का थाना के पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ खेतड़ी मोड़ पर वाल्मीकि जयंती और वाल्मीकि समाज के लोगों का भव्य स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर मनोज बंसिया विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भव्य स्वागत सम्मान वाल्मीकि समाज के लोगों का किया गया। महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर नीम का थाना में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। वाल्मीकि समाज के लोगों ने शहर में ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा का शहरवासियों ने अनेक जगह पर पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। छावनी स्थित बालाजी मंदिर में महर्षि वाल्मीकि की शोभा यात्रा शुरू हुई। शोभा यात्रा छावनी से होते हुए कलेक्ट्रेट के सामने से खेतड़ी मोड़ पहुंची, जहां पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल के द्वारा पुष्प वर्षा की गई और भव्य स्वागत सम्मान किया गया। और इस दौरान अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। उसके बाद जिला अस्पताल के सामने से होते हुए शाहपुरा रोड, सुभाष मंडी, कपिल मंडी, रामलीला मैदान होकर शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष मनोज बंसिया ने भी सभी वाल्मीकि समाज के लोगों का दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया और स्वागत सम्मान किया। इस दौरान महर्षि वाल्मीकि की जयंती झांकी भी सजाई गई और वहीं भगवान श्री राम और सीता माता की भी झांकी निकाली गई। शोभा यात्रा में ऊंट, घोड़ी, भग्गी भी शामिल हुई। विधायक सुरेश मोदी ने शोभा यात्रा का भी स्वागत किया। इसके साथ साथ समाज के लोगों ने वाल्मीकि के जीवन पर प्रकाश डाला और वाल्मीकि के आदर्श को अपनाने का संकल्प भी लिया। देखते रहे झलको शेखावाटी। वहीं दूसरी ओर वाल्मीकि जयंती पर वाल्मीकि समाज के द्वारा माउंडा में भी भव्य धूमधाम से वाल्मीकि जयंती मनाई गई। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के मनोज बंसिया के नेतृत्व में अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे और इस दौरान विश्व हिंदू परिषद ने सभी वाल्मीकि समाज के लोगों का स्वागत सम्मान किया। देखते रहें झलको शेखावटी। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताज़ा खबरों के लिए।